अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हार वेस्टर। तो भाई जान गुजशत मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी हार्वेस्टर की, जिसमें हार्वेस्टर गंदम काट रहा होता है, वो सिर्फ दाने लेके जाता है। तो पीछे जो तूड़ी बच जाती है उसके लिए एक और मशीन का इस्तेमाल होता है, वो मशीन होती है सर जी चॉपर मशीन। और आज के ब्लॉग सर जी चॉपर के मुतल्लिक है। तो ये है चॉपर की वर्किंग सर जी, और ये तूड़ी इकट्ठी करती है, तकरीबन 18 से 20 मन इसमें तूड़ी आती है, और तकरीबन और दाना भी इसमें आ जाता है, तकरीबन 1 एकड़ से 15 से 20 किलो दाना भी इकट्ठा कर लेती है। ये होगी भाई जान इसके पीछे ट्राली जिसमें तूड़ी इकट्ठी होती है, ये होगी मशीन जो काटती है, ये इनके दरमियान का लिंक हो गया जो इसे लेके चलता है, और ये हो गया सर जी वो रास्ता जहाँ से तूड़ी यानी कि बन के इसके ट्राली के अंदर जाता है। एंड माशाल्लाह सर चीज़ भी बहुत कमाल है, काम भी बहुत अच्छा करती है, और वीडियो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई है। वीडियो का मज़ा तब आएगा सर जी अगर आप शुरू से एंड तक वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो बिना इंतजार के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मजीद ऐसी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। माशाल्लाह सर बहुत कमाल की चीज़ है, देखें ब्रेक से ब्रेक दाना भी नीचे से उठा रही है, ये कमाल कमाल की वर्किंग है इसकी। अब देखें ना ज़रा गौर करें किस तरह से उठाती है इसको, ये देखें कमाल कमाल बहुत है। और हो तो यूँ है कि जहाँ पर ज़्यादा झाड़ बच जाती है, मतलब ये गंदम का नाड़ होता है वो ज़्यादा बच जाता है, मतलब नीचे से उठाने में मशक्क़त होती है, तो वहाँ पे ये ना थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है। स्टॉप करके ऊपर नीचे करके सारा झाड़ यानी कि नीचे से काट देती है, बिल्कुल लेवल ज़मीन निकाल देती है नीचे से, जैसे ये अभी कर रही है यहाँ। ये देखना आप यहाँ से ये कैसे नाड़ उठाएगी, ये देखिए ये था हमारा आज का व्लॉग। एंड होप सो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मजीद ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।